हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। यहां आपको जुडिशरी एग्जाम्स और बाकी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। साथ ही अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको उसमें भी मदद करेगा। गाइस, हम सब जानते हैं कि एमपी सिविल जज 2019 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में ब्रीफिंग दे सकूं। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 252 वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं, जिसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूडेड हैं। डेट्स की बात करें तो 22 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, 5 नवंबर 2020 लास्ट डेट है, 10 से 12 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और वैसे तो एमपी हमेशा एग्जाम की डेट्स नोटिफाई कर देता था, बट इस बार उसने कोविड के चलते हो सकता है कि डेट्स नोटिफाई नहीं करी हैं, तो वो आपको बाद में पता चल जाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1122.16 एप्लीकेशन फीस है, जो कि पिछली बार से बढ़ चुकी है। आई गेस अभी तक शायद 1000 रुपये होती थी जहां तक मुझे पता है, और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एमपी के 722.16 रहेगी। अगर हम यहां पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको यहां पर सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर आपकी एजेस की बात करें, एज यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन वगैरह वहाँ एमपी के कैंडिडेट्स के लिए है। अब हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की। हम सब जानते हैं कि 3 टियर में पेपर होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा, और 150 मार्क्स में आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर ये लोग हमको प्रोवाइड करते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें यहाँ पे जाके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले जो आपको आता है वो 10 नंबर का है, फिर आपका सीपीसी आता है 15 नंबर का, टीपीए 7 नंबर का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 नंबर का, एसआरए 6 नंबर का, लिमिटेशन एक्ट 4 नंबर का, एमपी एकोमोडेशन एक्ट 5, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 5। अच्छा, ये जितने नंबर का है उतने ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है ना, इस वजह से। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के 15, आईपीसी के 15, सीआरपीसी के 15, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के 5, जनरल नॉलेज के 20 हो गए। ये जनरल नॉलेज आपकी एमपी से रिलेटेड रहती है। कंप्यूटर आपके 10 नंबर की रहेगी और इंग्लिश आपकी 10 नंबर की रहेगी। 150 क्वेश्चंस हो गए, टाइम आपको अलॉटेड होगा 2 घंटा। और उसके बाद प्री की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें पढ़ने की, तो इसमें आपके प्री के पेपर थोड़ा डायरेक्ट ही होता है, सेक्शन बेस्ड होता है, केसेस लीडिंग ही पूछे जाते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है वो है एमपी के एक्ट्स पर, ये जो दो एमपी के एक्ट्स हैं, तो इसमें भी आपको सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वगैरह भी बेयर एक्ट से ही रहता है। जीएस मैंने आपसे बोला जैसे कि वो एमपी की ही पूछेंगे, तो आप अगर वहाँ की पढ़ रहे हैं जीएस तभी आपको फायदा है, अगर आप कॉमन जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पे फायदा नहीं देगी। कंप्यूटर बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, आपको अगर आराम से ट्रिपल सी लेवल की नॉलेज है तो आप कर लेंगे। इंग्लिश भी बेसिक ही रहती है। बाकी जो एक्ट कैसे पढ़ने हैं और उनके सेक्शंस वगैरह कैसे मेमोराइज करने हैं, बेयर एक्ट कैसे मेमोराइज करी जाती है, इस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, तो आपको उससे इसमें हेल्प मिल सकेगी। बाकी तो आप जब जैसे भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप उसके हिसाब से पढ़िए, आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखिए, लीडिंग केसेस देखिए, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा इतना कठिन पेपर ये वाला प्री का तो नहीं होता है। थोड़ा डिफिकल्ट जो आपको देखने को मिलता है वो मेंस का हो जाता है, क्योंकि जनरली इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो ये पेपर्स देते हैं वो हर जगह नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मेंस के पेपर में हमको 4 पेपर देखने को मिलते हैं और हर एक पेपर आपको 3 घंटे में करना होता है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है, तो 2 शिफ्ट में उस हिसाब से तो 2 दिन में आपके 4 पेपर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने 2 शिफ्ट में नहीं भी रखना होगा तो वो आपको फिर उस हिसाब से इन्फॉर्म करेंगे, वो उसी टाइम पर एडमिट कार्ड में आपके आएगा, ऐसा कुछ भी ये सर्टेन नहीं होता है। 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें पहले पेपर की अगर हम बात करें तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर होता है, सीपीसी का पेपर है, टीपीए का है,
और उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, SRA है जिसमें भी चैप्टर्स मेंशन इन्होंने कर रखे हैं स्पेसिफिकली, और SRA तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट आ चुका है। लिमिटेशन एक्ट जिसका उन्होंने चैप्टर 2 और 3 मेंशन कर रखा है, जो कि आप CPC की CK टकवानी की किताब में भी आपको दे रखा है, और उसके अलावा भी अगर आप इंडिविजुअल किसी बुक से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और बाकी तो जो पेपर हैं इसमें वो रेफरेंस बुक से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड पेपर की, तो एक तो आपका आता है राइटिंग सोशल इशू पे होती है, एक आपकी लीगल इशू पे हो जाती है, एक होती है प्रेसी राइटिंग, एक होता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, और एक होता है हिंदी टू इंग्लिश। अब है क्या बात कि ये जो प्रेसी और ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है ये तो हमारे यूपी में भी आता है, तो जो यूपी का पेपर दे चुके होंगे या देने वाले होंगे तो वो इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। तो बाकी जो सोशल इशू लीगल इशू की भी बात है तो वो कोई ऐसा जितना टफ होता नहीं है, वो आप ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में उसको ले सकते हैं। तो ये पेपर हमारा जैसे यहाँ पे इंग्लिश का आता है ना, ओवरऑल थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हो जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आप डेली बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करिए, और वो भी आप इसका बर्डन मत लीजिए, बहुत ही लाइटली आप इसको लेके चलिए एक हॉबी की तरह। आपका जब कुछ भी मन नहीं हो रहा है पढ़ने का करने का, तो भी अगर आप अपना बचा हुआ टाइम अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उस दौरान आप ये काम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप जिस चीज़ पे शायद स्पेसिफिकली फोकस ना कर पाते आप उसको भी समय दे पाएंगे, और यहाँ पर आपका माइंड, हाँ, थोड़ा मूड भी आपका लाइट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अलग से कुछ इतना प्रिपेयर मत करिए, आप ऐसे ही कभी भी इसको लगा लीजिए। फिर आपका अगर थर्ड पेपर की हम बात करें तो इसमें दो तो MP वाले एक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमने बात करी अकोमोडेशन और लैंड रेवेन्यू वाला, तो ये बेयर एक्ट बेस्ड ही होगा या आप बेयर एक्ट से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शंस होते हैं, तो आंसर्स में आप सेक्शन आपको डालते रहेंगे, प्लस लीडिंग केसेस वगैरह तो बेयर एक्ट्स में तो इलस्ट्रेशंस होते हैं और इंपॉर्टेंट केसेस भी लिखे ही रहते हैं लीडिंग केसेस, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा, IPC है, CRPC है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, तो इनके लिए आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं जो भी हम लोग अपने लॉ कॉलेज में करते हैं LLB के टाइम पर। और प्लस अगर आपको नहीं पता है कि रेफरेंस बुक आप कौन सी रेफर करें तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी। फिर हम आते हैं फोर्थ पेपर पे, फोर्थ पेपर भी बहुत ही जनरल आपको लेके चलना है, क्योंकि इसमें एक आएगा आपका इशू फ्रेम करने का, एक होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एक होगा जजमेंट राइटिंग सिविल की, और एक होगी जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की। तो ये इसके लिए भी आपको क्या करना है कि लास्ट मोमेंट पे नहीं लेके बैठना है आपको, आपको अभी से ही पढ़ाई के दौरान ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और इन सब के लिए भी MP के लिए पर्टिकुलर बुक आती हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आप सोचे कि इसके लिए जजमेंट के लिए हमको प्लेन WS ये सब भी क्या बनाना पड़ेगा, तो नहीं, आपको देखिए इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जजमेंट राइटिंग के लिए आपको प्लेन WS चार्जशीट या कंप्लेन ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि कभी भी अपनी भाषा बायलिंगुअल मत रखिएगा। हम चैनल पे यूज़ कर रहे हैं बायलिंगुअल, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख रहे हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं, बट ये लैंग्वेज आपको पेपर में नहीं लिखनी होती है, आप वहाँ पे या तो हिंदी यूज़ करेंगे या तो इंग्लिश यूज़ करेंगे। याद रखिएगा MP अपने रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो कॉपी नहीं चेक करते हैं। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर नीचे देखिए आप, इन्होंने का खा गा वसा वाली जो बात लिख रखी है वो ये है, पूरा पढ़ के बता दूँ इसमें क्या है कि आप जब भी ये पूरे कॉपी में आपके कहीं पर भी आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका रोल नंबर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फ्रंट पेज पे जहाँ आपसे मांग रहे रोल नंबर आप वो रखेंगे, लेकिन बाकी पूरी कॉपी में आपका नाम कहीं नहीं होगा। जैसे आपने मान लीजिए जजमेंट लिखा, आपने प्लेंट लिखा, WS लिखा, कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप ABC का खागा ये सब यूज़ करेंगे, क्योंकि MP कॉपी नहीं चेक करता है, वो इस चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी कॉपी कैंसिल कर देगा। फिर अगर हम बात करें कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, क्वालिफाइंग और मेरिट में अंतर होता है। क्वालिफाइंग इज मिनिमम परसेंट जितने मार्क्स आपके आने ही चाहिए पास होने के लिए, और मेरिट होता है कि हाईएस्ट नंबर जितने आए वहाँ से बनती है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए 50% है, और रिजर्व के लिए 45% है, और फिर बाद में उस हिसाब से मेरिट बनेगी। 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फिर अगर हम साक्षात्कार की बात करें, यानी कि हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, जिसका 40% आपको पास करना होता है, यानी कि 20 नंबर मिनिमम आपको 20 नंबर लाने हैं इंटरव्यू में। क्वालिफाइंग मार्क्स क्योंकि 20 है, अगर 20 से कम आपके नंबर आ जाते हैं
और आपके मेंस में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आए हों तो आप क्वालिफाई इस एग्जाम के लिए नहीं होंगे, इसलिए मिनिमम 20 लाना आपको ज़रूरी है। और मिनिमम 20 तो वैसे भी दे ही दिया जाता है, बोर्ड आपको देता है, अनलेस एंड अंटिल आपका कंडक्ट वहाँ पर अच्छा ना रहा हो। आपका जो मेरिट बनती है फाइनल वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे मिलती है। प्रीलिम्स आपका खाली क्वालिफाइंग होता है, तो प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको हाँ कट ऑफ हाई जाती है 150 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स, जिसमें हमेशा कट ऑफ 135 अराउंड जाती ही है, तो आपको टारगेट 135 प्लस का लेके चलना है, तभी आपका प्रीलिम्स यहाँ पे एमपी में अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हो पाएगा। जो एमपी से बाहर के लोग हैं वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे, भले वो अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी क्यों ना हो, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ को लेकर डाउट होता है। तो आप अनरिजर्व्ड ही हैं बाहर के स्टेट में, तो आपको 135 प्लस का टारगेट लेके चलना है अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो। इसलिए प्री का पेपर इतना टफ है तो नहीं, लेकिन 135 प्लस लाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि 95 तक आप क्वेश्चंस वहाँ आराम से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो होती है 95 से लेकर 135 तक के क्वेश्चंस, ये आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो टारगेट है इसको पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी अलग अलग है प्री मेंस और इंटरव्यू सबके लिए, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो इसी के साथ अभी मैं आज का फाइनल ये जो एमपी के बारे में था मैं इतना ही फिलहाल आपको बता रही हूँ। प्लस प्री और मेंस के बीच में 2 महीने का लगभग गैप होता है, तो आप उस वक्त पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी प्लान ना करें, आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी टाइम है, अभी नवंबर तक तो इनकी लास्ट डेट है, तो हो सकता है 1.5-2 महीने बाद ये पेपर अपना करवाएं। तो जिन जो लोग सोच रहे हैं पेपर देने के लिए वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें। गाइज, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल आपको प्रॉपर गाइड करेगा किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए। कंटेंट वाइज भले मैं इतना ज़्यादा ना आपको पढ़ा पाऊँ ना इतना कर पाऊँ, लेकिन गाइडेंस की मैं 100% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गाइडेंस हर जगह नहीं मिलेगी, कंटेंट आपको भर भर के हर जगह। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।